नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेटेस्ट न्यू इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में अगर आपने MIUI 12 की अपडेट कर ली और आप फ्लोटिंग विंडो का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं एक्टिवेट कर पा रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लगाते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सेटिंग में जाना होगा, तो सेटिंग को हम ओपन करते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप सेटिंग को ओपन करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने MIUI 12 की अपडेट हो चुकी है और ये फीचर आपको जब भी मिलेगा जब आप MIUI 12 की अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेशल फीचर पर क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये है स्पेशल फीचर। तो जैसे ही आप स्पेशल फीचर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फ्लोटिंग विंडो। तो चलिए अब हम फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सजेशन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे सजेशन दिए हुए हैं जिनसे आप सीख सकते हैं कि आपको किस तरह से ऑपरेट करना है। तो चलिए अब ओपन फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक करते हैं, किस तरह से ओपन कर सकते हैं फ्लोटिंग विंडो को। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से बता रहा है। तो इसमें जैसे आप नहीं समझ पाएंगे लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए आप मूविंग के लिए बताया गया कि किस तरह से आप मूव कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से आप इसको मूव कर सकते हैं, आप कहीं भी इसको उठा के रख सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आप आसानी से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। जैसे आप कुछ दो विंडो ओपन किए हुए कोई काम कर रहे हैं तो आप आराम से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ये क्लोज हो गई और यहाँ पर देखिए मैं सारे के सारे स्टेप मैं आप पर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसको जब आप फ्लोटिंग विंडो को हटाना है तो देखिए फुल हो जाती है और यहाँ पर मिनिमाइज के लिए भी बताया गया है। देखिए दोस्तों जब आप इसको स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर किसी भी कोने में ले जाएंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर दूसरा हैंड यूज़ करके देखता हूँ, वैसे आप किसी भी कोने में ले जाएंगे तो मिनिमाइज हो जाए। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं जब ही आप आसानी से समझ पाएंगे। तो जैसे आपको कोई भी दो एप्लीकेशन यूज करनी है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इंस्टाग्राम को ले लेता हूँ। तो आपको एग्जांपल करके दिखाना है तो हमें इंस्टाग्राम को, चलिए इंस्टाग्राम खोल लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम खोल लिया है। अब देखिए मैं यहाँ पर इसका फ्लोटिंग विंडो बना के दिखाता हूँ। तो आपको सबसे पहले मैं पहला तरीका बताऊँगा नोटिफिकेशन के ज़रिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ से नोटिफिकेशन को जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फ्लोटिंग विंडो। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वो मैं बाद में बता दूंगा। तो देखिए फ्लोटिंग विंडो ओपन हो गई, अब इसे आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, ये मिनिमाइज है। और जब आप इसमें कोई वर्क करना है तो आप आसानी से क्लिक करके आसानी से यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो ये तरीका काफ़ी अच्छा लगा है और दूसरा भी तरीका मैं आपको बता, देखिए ये फुल हो गई और यहाँ से स्वाइप स्वाइप किया तो ये फुल हो गई। और आप देखेंगे मैं फिर से इसको फ्लोटिंग विंडो बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है तो मैं इस आइकन पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये फ्लोटिंग विंडो मिनिमाइज हो जाती है। तो अब जैसे मैं इसे किसी भी कोने में उठा के मूव कर सकता हूँ, इस पर वन क्लिक करके इसे ऑपरेट भी कर सकता हूँ। ये सारे के सारे फीचर इस फ्लोटिंग विंडो में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आप फ्लोटिंग विंडो को यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसको मिनिमाइज भी, छोटा भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। तो देखिए दोस्तों ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया और इसे आप किसी भी कोने में ले जाके इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं ऐसे सभी कोने में ले जाके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से ये क्लोज हो गई, नीचे से आप ऊपर स्वाइप करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे। तो आप जब यहाँ से इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी विंडो आप फ्लोटिंग विंडो बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है और तीसरे वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप तीसरे वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये फ्लोटिंग विंडो रेडी हो जाती है। अब आप जैसा चाहें वैसे ऑपरेट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी कमाल का फीचर है। दोस्तों एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको इन दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तो करिएगा ही, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। टेक केयर।